लक्ष्मी यूपी के बागपत में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, जाटों को अपने पाले में करने में सफल होंगे बीजेपी के चाणक्य। 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा, बोले उप मुख्यमंत्री मौर्य। बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र रविवार को जारी करेंगे अमित शाह, लोगों से मांगे गए थे सुझाव। यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी ने गठबंधन दलों को यूं ही नहीं दे दी 19 सीटें, 12 पर था हार का खतरा। मेरा यूपी मेरा गौरव के तहत पूरे यूपी के विकास कार्यों की हो रही चर्चा, मतदान के लिए जागरूक करने का भी प्रयास। मायावती का अखिलेश पर निशाना, बोली सपा अध्यक्ष को लगता है कि मुसलमान उनकी जेब में है। प्रियंका गांधी के रोड शो में बीजेपी समर्थकों ने लगाए पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे, कांग्रेस महासचिव ने थमा दिया कांग्रेस का यूथ घोषणा पत्र। बरेली में बंदी विकास के रूप में मनाया जाएगा मतदान का दिन, डीएम ने जारी किया ये फरमान। सपा सरकार में मंत्री रह चुके शारदा प्रताप शुक्ला हुए बीजेपी में शामिल, समर्थकों ने भी ली सदस्यता। हॉट सीट करहल से यूपी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ निर्वाचक अधिकारी से शिकायत, लगा गंभीर आरोप। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।